हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। डेली लाइफ में हम काउंटिंग नंबर डेली यूज करते हैं। ये काउंटिंग नंबर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। डिफरेंट टाइप्स का मतलब इनको अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया है। उन ग्रुप्स के बारे में हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। उन नंबर सिस्टम में पहला जो ग्रुप आता है वो है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। अगर इसकी डेफिनेशन अपन देना चाहें तो इस प्रकार से देंगे, काउंटिंग नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम वन एंड गो टू इन्फिनिटी कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। वो काउंटिंग नंबर्स जो एक से शुरू होकर के अनंत तक जाती है नेचुरल नंबर्स कहलाती है। नेचुरल नंबर्स कोई अकेली संख्या नहीं है, ये अनेक संख्याओं का एक समूह है। जैसा कि मैंने बताया, एक से शुरू होकर के बाद में जाने वाली अनंत तक सभी संख्याएं नेचुरल नंबर के सेट में आती है। द कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन का मतलब होता है संग्रहण या सेट, समुच्चय, ग्रुप। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाई कैपिटल एन। जो नेचुरल नंबर्स का ग्रुप होता है उसको हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, दर्शाएंगे, और इसको निम्न प्रकार से लिखेंगे। रिटन एज का मतलब निम्न प्रकार से लिखेंगे, कैपिटल एन इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। यहाँ नोट करने वाली ये बात है कि सबसे छोटी नेचुरल नंबर एक होती है और सबसे बड़ी, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कोई नहीं है। सबसे छोटी जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो है वन। नेक्स्ट जो ग्रुप आता है वो आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स, इफ वी इंक्लूड जीरो इन द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स देन द न्यू कलेक्शन इज कॉल्ड होल नंबर्स। अभी मैंने नेचुरल नंबर्स के बारे में आपको बताया, अगर उसी ग्रुप में अगर हम जीरो को और इंक्लूड कर दें तो हमारे पास एक नया कलेक्शन तैयार हो जाता है, और वो नया कलेक्शन जो है होल नंबर्स कहलाता है। होल नंबर्स के नाम से जाना जाता है, उसको होल नंबर नाम दिया गया है। अब होल नंबर का सिम्बोलिक नोटेशन क्या होगा? द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स इज डिनोटेड बाई कैपिटल डब्लू। होल नंबर्स का जो कलेक्शन होता है उसको हम कैपिटल W से डिनोट करेंगे, और इसको किस प्रकार से लिखेंगे? W इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। नाउ पे योर अटेंशन, यहाँ देखने वाली बात है कि सबसे छोटी जो होल नंबर होती है वो जीरो होती है और हाईएस्ट होती नहीं है, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो। एक और आपको चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जीरो न तो पॉजिटिव होता है न नेगेटिव होता है, न तो प्लस का होता है न माइनस का होता है। जीरो के बाद वाली संख्याएं सभी पॉजिटिव होती है, प्लस की संख्याएं होती है। तो ये होल नंबर्स का ग्रुप है। नेक्स्ट जो ग्रुप आता है वो आता है इंटीजर्स का। इंटीजर्स की अगर अपन डेफिनेशन तैयार करना चाहें तो वो होगी, इफ़ वी इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन इन द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स देन द न्यू कलेक्शन इज कॉल्ड इंटीजर्स। यानी कि जो भी अपन ने होल नंबर का कलेक्शन तैयार किया था उसमें अगर अपन नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर लें, अभी ऊपर आपने देखा कि होल नंबर्स में जीरो पॉजिटिव नंबर ही थे, नेगेटिव नंबर्स का कोई उनमें एग्जिस्टेंस नहीं था, तो अगर उनमें नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड कर लें तो हमारे पास एक नया कलेक्शन तैयार हो जाता है, और उस नए कलेक्शन को हम इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स के कलेक्शन को कैपिटल जेड या कैपिटल आई के द्वारा डिनोट किया जाता है। द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स इज डिनोटेड बाई कैपिटल जेड और कैपिटल आई।
एंड रिटन एज, इसको लिखा किस प्रकार से जाता है, इस प्रकार से लिखेंगे इसको, कर्ली ब्रैकेट, जीरो इन द मिडल, जीरो सबसे बीच में लिखेंगे, जीरो के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स और जीरो के राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स राइट करेंगे। तो ये इंटीजर्स का कलेक्शन हमारे पास तैयार हो गया है। आगे इंटीजर्स के बाद में ये हमारे प्रीवियस क्लासेस का नॉलेज था। अब हम जो एट्थ क्लास में पढ़ेंगे नया टॉपिक, वो पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से हैं, दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। वो संख्याएं जिन्हें हम p पॉन q के रूप में लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पर p और q कौन है, मैं तो बात कर रहे हैं इसमें p और q कौन है। तो p और q कोई इंटीजर है, इंटीजर अभी अभी ऊपर ऊपर पढ़ा था, इंटीजर्स का जो ये ग्रुप था, इनमें से कोई सी आपको दो संख्याएं लेनी है, कोई सी भी दो संख्याएं लेनी है, उन दोनों संख्याओं को अपॉन के रूप में लिखना है, p पॉन q के रूप में, तो वो हमारे पास रैशनल नंबर प्राप्त हो जाएगी। लेकिन क्यू की वैल्यू जीरो नहीं लेनी है आपको, यानी अपॉन में जीरो नहीं लेना है, अपॉन में जीरो लेने से वो रैशनल नंबर नहीं रहेगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। तो एक बात का ध्यान रखें, पी की वैल्यू चाहे आप जीरो ले सकते हो, लेकिन क्यू की वैल्यू जीरो नहीं लेंगे। अब एग्जांपल्स पर बात करते हैं, उसके एग्जांपल्स इस प्रकार से हैं। द कलेक्शन ऑफ द रैशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाई कैपिटल क्यू। जो कलेक्शन होगा, जो अभी अपन एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं, उस कलेक्शन को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करेंगे और इसको इस प्रकार से लिखेंगे। मैंने दो इंटीजर लिए, वन और टू, इनको अपॉन में लिख दिया तो वन अपॉन टू रैशनल नंबर बन गए। सिमिलरली थ्री अपॉन फोर, थर्टीन अपॉन नाइन्टी सेवन, माइनस टू अपॉन वन, जीरो अपॉन वन, जीरो अपॉन वन भी रैशनल नंबर है, क्योंकि पी की वैल्यू जीरो है, न कि क्यू की वैल्यू जीरो है। हाँ, अगर मैं वन अपॉन जीरो लिखता इसको, तो वन अपॉन जीरो रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें वन अपॉन जीरो में क्यू की वैल्यू जीरो हो गई और क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होती है। तो ये रैशनल नंबर्स होती है जिनको अपन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी और क्यू कोई भी दो इंटीजर होते हैं, जहाँ क्यू की वैल्यू जीरो नहीं लेनी है। नेक्स्ट जो नंबर्स का ग्रुप है वो है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स रेशनल नंबर्स का जस्ट अपोजिट है। जो डेफिनेशन रेशनल नंबर्स की थी, वो कि वही इरेशनल नंबर की है। केवल इतना सा ध्यान रखना है, कैन नॉट लगाना है यहाँ पर, कैन नॉट। दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। यानी वो संख्या जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। दीज इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड ऑन द नंबर लाइन। इन इरेशनल नंबर्स को अपन नंबर लाइन पर भी शो नहीं कर सकते। तो इसका कोई ग्रुप नहीं होता है। एक एग्जांपल्स के तौर पर अगर अपन देखें, तो इसके एग्जांपल्स में रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, डेसिमल नंबर्स में 0.15, 1501500, 1500, 1500। इस प्रकार के जो नंबर्स होते हैं, ये सभी के सभी इरेशनल नंबर हैं। अब यहाँ नोट करने वाली बात है कि मैंने रूट फोर नहीं लिखा, रूट नाइन नहीं लिखा, रूट सिक्सटीन भी नहीं आएगा, क्योंकि रूट के अंदर स्क्वायर रूट में जब भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए तो वो इरेशनल नहीं होती, वो रेशनल होती है। उसका कारण ये है कि जैसे रूट फोर है, रूट फोर की वैल्यू टू होती है, तो टू रेशनल होती है, इरेशनल नहीं होती है। तो स्क्वायर रूट में अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो रेशनल होगी, और इसके अलावा स्क्वायर रूट में कोई भी संख्या आ जाए तो वो इरेशनल नंबर होगी। और लास्ट ग्रुप है रियल नंबर्स। रियल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, दोनों को कंबाइन करके अगर अपन बोला जाए तो रियल नंबर वो बोला जाता है, इनको रियल नंबर नाम दिया गया है। द सेट ऑफ द ऑल
रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज नेम्ड एज रियल नंबर्स। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का जो सेट है उसको रियल नंबर नाम दिया गया है। रियल नंबर्स को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ये इसका सेट है रियल नंबर्स का, जिनको कैपिटल आर के द्वारा शो किया गया है। तो इस प्रकार से ये नंबर सिस्टम के तहत ये डिफरेंट टाइप के नंबर्स होते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद में अपन आगे अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लास एट्थ के लिए रेशनल नंबर चैप्टर है और क्लास नाइन्थ के लिए रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों नंबर स्टार्ट हैं। थैंक यू।